नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। इस एक ही वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर कितनी ब्याज दरें मिल रही है और हर एक स्कीम के अंदर आपको कितना पैसा यहाँ पर वापस मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट की। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और एजेंट के माध्यम से खुलवा सकते हैं। इसमें आपको 5.8% के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी। और बात करें रिटर्न की, तो यहाँ पर यदि आप मंथली 1000 रुपये की आरडी करवाते हैं तो आपको 5 साल के बाद में 69,697 रुपये यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस आरडी को आगे 10 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। आगे बात करें 1 साल की एफडी के बारे में, तो एफडी को भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 साल की एफडी पर 5.5% ब्याज मिलेगा और 1 लाख पर आपको 1,05,614 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 2 साल की एफडी पर भी आपको 5.5% का ब्याज दर मिलेगा और यहाँ पर 2 साल के बाद में 1,11,228 रुपये मिल जाता है। इसी प्रकार 3 साल की एफडी पर भी 5.5% ब्याज दर यहाँ पर मिलती है और 1,00,000 रुपये यदि आप जमा करवाते हैं तो 3 साल बाद में आपको 16,842 रुपये ब्याज के मिल जाते हैं। बात करें 5 साल की टीडी की, तो 5 साल की टीडी को भी आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और एजेंट के माध्यम से खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.7% ब्याज दर मिलेगी और 1,00,000 रुपये यदि आप राशि जमा करवाते हैं तो 5 साल के बाद में आपको 1,34,350 रुपये मिल जाते हैं। पोस्ट ऑफिस की 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी पर जो ब्याज बनता है वह हर साल आपको दे दिया जाता है या आपके बचत खाते में जमा कर दिया जाता है। वर्तमान में अधिकांश लोग शेयर मार्केट में निवेश करके बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हैं, तो यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो एंजल वन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपल सी डिटेल भरने के बाद में आपका अकाउंट 1 घंटे के अंदर ओपन हो जाएगा। आगे बात करें बचत खाते की, तो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर अभी भी आपको 4% का ब्याज दर मिल रहा है, जबकि कई बैंकों में इससे कम ब्याज दर मिलती है। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आप नेट बैंकिंग, ATM और चेकबुक जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। बात करें MIS की, तो यह एक 5 साल की स्कीम होती है जिसमें आप एकमुश्त पैसा जमा करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.6% के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी और हर महीने आपको 550 रुपये ब्याज यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है जो कि 5 साल के लिए होती है। इसको केवल आप पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन ही खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 7.4% की ब्याज दर मिलेगी और यहाँ पर 1,00,000 रुपये जमा करवाने पर प्रत्येक 3-3 महीने से आपको 1,850 रुपये ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। बात करें NSE यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो यह एक 5 साल की स्कीम होती है जिसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। तो ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 6.8% की ब्याज दर मिलेगी और 1,00,000 रुपये यदि आप जमा करवाते हैं तो 5 साल के बाद में 1,38,950 रुपये यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बात करें किसान विकास पत्र की, तो KVP भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.9% की ब्याज दर मिलेगी और KVP में यदि आप 1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल और 4 महीने के बाद में आपको 2,00,000 रुपये वापस मिल जाते हैं। आगे बात करें PPF की, तो PPF एक 15 साल का अकाउंट होता है जहाँ पर आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दर मिलती है और यदि इसी ब्याज दर को अपन स्थिर माने और मंथली आप यदि 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 साल बाद में आपको 3,15,572 रुपये यहाँ पर मिल जाएंगे। PPF में सालाना 500 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक जमा करवा सकते हैं। PPF जैसी ही एक स्कीम होती है सुकन्या समृद्धि स्कीम, यह भी एक 15 साल का अकाउंट होता है जहाँ पर आपको 7.6% की ब्याज दर मिलती है और यदि आप महीने का 1,000 रुपये करवाते हैं और यही ब्याज दर यदि 21 साल तक रहती है तो आपको 5,10,000 रुपये यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।